Hello students, welcome on Sohi's teaching channel again. In the last video we discussed about the image formation by concave mirror. In this video we will discuss the image formation by convex mirror. Okay, so you can see this is the convex mirror. It is principal axis, the principal focus and center of curvature both of for convex mirror are behind the mirror. देखो बेटा ये reflecting side है अपना object या असी इस side ते front side के ऊपर खड़े होवांगे या रखांगे object और इस ऑब्जेक्ट की जिहड़ी इमेज है वह बनेगी बट अपन एक गल ख्याल रखनी पेगी कि जो एक कॉन्वैक्स मिरर है ये बिहाइंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ प्रिंसिपल फोकस एग्जिस्ट कर दे. ओके जी, हूँ लास्ट वीडियो जो तुम देखा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड के एफ तो फ्रंट साइड के सी होंगे. जो तो फ्रंट साइड पर होंगे तो असी ऑब्जेक्ट भी फ्रंट साइड पर रखना होंगे, इस करके साडे पास सिक्स पोजिशन बनती हैं फॉर द ऑब्जेक्ट. बट इन दिस केस एफ एंड सी बोथ आर बिहाइंड द मिरर बट वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो देयर इज नो एनी पर्टिकुलर फिक्स पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वैक्स मिरर. ये सर साडे कोल दो जस्ट दो ही जो पोजिशन है आप डिस्कस करनी है. एक पोजिशन है जी एट इनफिनिटी, दूसरी पोजिशन है इन फ्रंट ऑफ द मिरर एनीवेयर. कितने भी असी इस कॉन्वैक्स मिरर के फ्रंट के जिथे मर्जी ऑब्जेक्ट रख दिए वो साड़ी दूसरी इमेज आ जाएगी और एक इमेज असी इनफिनिटी के ऑब्जेक्ट रख के लाएंगे. राइट, सो मैं इतने एक बार राइट डाउन करना है. फर्स्ट है जी एट इनफिनिटी, ठीक है बेटा, और नंबर टू है साडे कोले इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो कॉन्वैक्स मिरर दे इन फ्रंट साइड दे जिथे मर्जी ऑब्जेक्ट रख लिए ये दूसरी पोजिशन होगी, एक साडे पास इनफिनिटी दी पोजिशन है. सो दोनों आपा पोजिशंस नू वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट आपा इथे डिस्कस कर लईए. फर्स्ट पॉइंट की है जी, वो है जी एट इनफिनिटी. मिरर है जी कॉन्वैक्स मिरर, आ इनफिनिटी पोजिशन है बहुत दूर, तो इनफिनिटी तो रेज ऑफ लाइट की हो रही ने जी पैरेलल आ रही ने बेटा. सो मैं की करना है टू रेज ऑफ लाइट, एक अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस एक बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके आ रहे हैं जी. हूँ की है कि इफ द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे After reflection, it will passes through F. On A side polish है, paint side है. It is not possible to pass through the mirror. So light की करूँगी, light बाहर नहीं जाएगी, लेकिन appears to passes through F. So मैं एक ray extend करके dotted नाल इधर नो लगा के और ray नो बाहर वाली side नो जेडी है reflect कर देना है, ये reflecting side होगी बाहर. Done. सो सेम अबाउट दिस, सो इतने भी हूँ मेरे पास एक्चुअली तो रे इधरों पास होने नहीं क्योंकि ए साइड पेंट है, पेंट च पास आउट होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. सो कि रे की करके बाहर की साइड को मूव कर दो, ठीक है जी. सो हम इतने रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, ठीक है जी. एक्चुअली रेज जीडिया ने वो डाइवर्ज हो रही ने दोनों साइड को. अगर मैं रे ऑफ लाइट एक और ले रहा हूँ, एक और आप रे ऑफ लाइट ले लीए दोनों आपा बिलो एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहिए, दोनों रेज अपीयर टू पासस थ्रू एफ ऑन गया जी, बट एक्चुअली दीज रिफ्लेक्ट आउटवर्ड, दीज विल डाइवर्ज फ्रॉम द मिरर. अगेन थ्री पॉइंट्स, सेम थ्री पॉइंट्स फॉर द इमेज. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ इमेज,
पोजीशन ऑफ इमेज, नंबर टू साइज ऑफ इमेज, ओके, एंड लास्ट नंबर थ्री नेचर ऑफ इमेज। लो बेटा वन बाय वन देखिए, सब तो पहला पोजीशन, पोजीशन कितनी है जी, एट एफ है जी, सो आई एम राइटिंग हियर एट एफ, एट एफ पहला होंगे यहाँ जी, अगर ऐसे इन्फिनिटी से खड़े होंगे तो साड़ी ने इमेज आ कितने होगी, हो एफ तो होगी। साइज ऑफ इमेज देखिए, तो साइज ऑफ इमेज की है पॉइंट साइज है जी, पॉइंट साइज होगी पुत्र। ते नंबर थ्री देखिए नेचर ऑफ इमेज, और रेज एक्चुअली तो डिवर्ज हो रही ने लेकिन अपीयर टू बी एट एफ हो रही ने, असी राइट नो एक्सटेंड करके मीट किया, सो जो भी आप एक्सटेंड करके करते हैं तो इमेज कि बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सो पोजिशन ऑफ इमेज विल बी एट एफ, साइज ऑफ इमेज विल बी पॉइंट साइज, एंड the nature of image will be virtual and erect image. So now let's move for second part. Second point is when the object is placed in front of the mirror on the principal axis anywhere, we have to place the our object in front of the mirror. This is most important point because lots of questions for this point will come in your exam. So number two is that when object is in front of mirror, kithe bhi assi in front of mirror kithe bhi rakh liye, okay ji. So again this is convex mirror behind F and C, it is P, pole P. Now where I have to place my object, object anywhere in front of the mirror, so main jithe marzi mera dil karta hai main utthe rakh lunga. This is the position of object, I mark it AB, AB is the object, done. So one line parallel, parallel line passes through F, so actually the pass नहीं होना क्योंकि paint side है बेटा, पहला discuss किया है, तो it will appear to passes through F, तो it will appear to passes through F, तो actually right किधर जाएगी, light इधर जाएगी outward, done. another ray at P, पी ते जो भी रे आती है आई एंगल दे अकॉर्डिंगली और रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक अकॉर्डिंग टू एंगल आर, बोथ आई एंड इक्वल आर इक्वल, एंगल आई एंड एंगल आर बोथ आर इक्वल, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हम एक्चुअली राइट दिया रेज एरिया मीट नहीं कर रही है, एक तो रे इधर चले गई दूसरी उधर चले गई, लेकिन अगर असी इन दोनों एक्सटेंड कर दिए थोड़ा जहा, वो तो एक्सटेंड आप ऑलरेडी की है, देखो मैं डॉटर नाल दिखा रहा थोड़ा जहा, ये रे इधर एक्सटेंड होगी तो इतने दोनों इंटरसेक्ट कर दिया लगती है, तो आ रहे जी साढ़े पास इमेज, इमेज का नाम की आएगा ए डैश बी डैश, इमेज इज ए डैश बी डैश, डन। सो पोजीशन ऑफ इमेज की है, पोजीशन ऑफ इमेज है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज की है जी बेटा, साइज ऑफ इमेज यू कैन सी कि आ साडा ऑब्जेक्ट है, आ साडा इमेज है, तो स्मॉल साइज है तो स्मॉलर इन साइज, नेचर की है अगेन बेटा आप एक्सटेंड करके ही रेज जड़ियां वो इंटरसेक्ट कराइया ने, तो नेचर की होगी, नेचर होगी सेम वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोनों केसेस आप देखे हैं कि दोनों केसेस दे विच जेड़ी इमेज है
वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहती है क्योंकि लाइट जी एक्चुअली मीट नहीं करती आफ्टर रिफ्लेक्शन जी रेज ऑफ लाइट ने वो एक्चुअली मीट नहीं करती है तो सानू एक्सटेंड करवा के लाइट के रेज नू मीट करवाना पैंदा है सो दैट्स वाई इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बार लास्टली फिर आप दोनों पोजिशन से डिस्कस कर लिए दीज आर एफ एंड सी पॉइंट्स अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। जो बेटा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी का होगा इमेज यदि एफ से होगी ठीक है जी ऑब्जेक्ट इनफिनिटी से फर्स्ट पॉइंट ली इमेज होगी एफ से और ए की होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि बेटा हमेशा इन्हें बिहाइंड ही जी इमेज बनानी है ये कॉन्वेक्स मिरर है ये कदे भी रियल इमेज नहीं बनाता। क्वेश्चन आऊगा आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से विच के नेम का मिरर विच ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आंसर क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर। दूसरी पोजीशन आप देखी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर एनीवेयर यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर सो इन दिस केस अगेन द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एंड दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट डन। So thanks for watching the different positions of image formation by convex mirror. Thanks for watching. Subscribe the channel. Thank you.